केंद्रीय पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू आणि स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी जाटेगाव येथील टॉरंट ग्रुपच्या सिटी गॅस स्टेशनची पायाभरणी केली आहे आणि पुणे जिल्ह्यातील 5 CNG स्टेशनचे मान्यवरांच्या उपस्थित देशाला अर्पण केलंय. नैसर्गिक वायू उपलब्ध झाल्यामुळे ग्राहकांना हे स्वच्छ आणि स्वस्त इंधन वापरता येईल आणि त्याद्वारे पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम घडवून आणून नागरिकांना फायदा देण्यात उपयुक्त ठरेल. उसके साथ साथ टोरेंट कंपनी की ओर से, महेश गैस की ओर से एक सिटी गैस स्टेशन, उसकी भी आज काम शुरू किया गया है. मैं आज के अवसर पे आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ. पुणे शहर में स्वच्छ ईंधन पहुँचाना हमारी जिम्मेवारी है. पुणे शहर में लगभग और पुणे जिले को मिलाएं तो 15 से 20 लाख घर होंगे पुणे सरकारी जिले को मिलाएं तो. ये दोनों कंपनियों की काम है. पुणे अभी और ग्रामीण इलाका नहीं रहा है, ये एक अर्बन इलाका बन चुका है. कृषि में, व्यवसाय में और शहरी सुविधाओं में पुणे जिला आगे बढ़ रहा है. व्यवस्था संभालने वाले हम जैसे मित्रों की जिम्मेवारी है सामान्य नागरिकों की जिंदगी को सुविधा बनाना. पहले ये पाइप गैस जो सस्ता है, अगर हम तुलना करें LPG से PNG सस्ता है, डीजल पेट्रोल से CNG सस्ता है. ये PNG CNG केवल सस्ता नहीं है, ये अन्य दो ईंधन की तुलना में स्वच्छ भी, क्लीन भी है. उसकी पर्यावरण की फायदा भी मिलती है. इसलिए हम कमिटेड हैं पुणे शहर को, पुणे जिले को, समूचा महाराष्ट्र को ग्रीन बनाना, स्वच्छ बनाना. भारत में गैस आधारित अर्थनीति को और बढ़ाना है. संयोग से यहाँ दो कंपनी यहाँ बैठे हैं. जिनेल जी हमारे हल्दर बाबू यहाँ बैठे हैं. उन्होंने मेरे को आज बताया कि MNGL पुरानी कंपनी है, आपको उसके साथ कम्पीट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप उनसे कम्पीट करो. मैं खुले मन से कहता हूँ आप दोनों को हेल्दी कम्पिटिशन करो, काटो मत. उन्होंने 1,000 करोड़ रुपया का बिजनेस का टारगेट रखा है. आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप भी उससे ज्यादा करो, ये मेरा शुभेच्छा आपको है. तब तक MNGL और भी बढ़ेगा. टॉरंटचे प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील 600 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देण्याचे वचन दिले असून ते 1 लाखापेक्षा अधिक घरांमध्ये जोडण्यासाठी तसेच 50 पेक्षा अधिक CNG केंद्रे स्थापित करून पुणे जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्रात विविध उद्योग आणि वाणिज्यिक आस्थापनांना जोडण्याच्या दृष्टीने काम करण्यासाठी सज्ज आहेत. शिवणे, रांजणगाव, कार्ला, किकवी आणि लोणंद येथे प्रत्येक ठिकाणी एक अशी एकूण 5 CNG केंद्र पुणे नॅचरल गॅस या ब्रँडच्या नावाने कार्यरत आहेत आणि उर्वरित 45 केंद्रे मार्च 2021 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. आज टेक्नॉलॉजी उपलब्ध आहे, कचरे से एनर्जी बनाया जा रहा है, बिजली बनाया जा रहा है, एथेनॉल बनाया जा सकता है, बायोगैस बनाया जा सकता है. वेस्ट से वेल्थ बनाने का कई प्रकार की मॉडल इस पुणे जिले में होना शुरू हो गया है. इसको एक स्केल देने की आवश्यकता है. हमारी विभाग की ओर से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ईंधन को घर में हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो, गैस आधारित बनाना, इसके लिए महेश गैस और MNGL ये दोनों कंपनी पुणे जिले में काम कर रहे हैं. उसी को लोकल सोर्स के साथ भी जोड़ना, इसके कारण शहर स्वच्छ भी होगा, कचरे को बाहर निकालने का एक रास्ता मिलेगा, उसके कारण पर्यावरण, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों में फर्क आएगा.